हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और वैसे तो ये इंग्लिश की क्लास रोज़ 1 बजे होती है, रेगुलर टाइम 1 बजे है, लेकिन कभी कभार डिफरेंट टाइम पे भी होती है। लाइव क्लास हमेशा होती है, लेकिन कभी कभार रिकॉर्डिंग भी होगी। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और लेकिन आज हम लोग कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे। थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा प्लस में पेड बैच में पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले, तो ये यूपी कैटेगरी का नाम है, UPPSC एंड UPSSSC। इसमें आप एडमिशन लेते हैं तो आपके यूपी के सब एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। और विजेता नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें टॉप 25 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी 150-25% 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। और ये डेट इसकी तो 12th और 26th दिसंबर है, 10 बजे सुबह। ये टाइम तो निकल गया है, लेकिन आप पुराने टेस्ट कभी भी दे सकते हैं। दोनों मीडियम्स में GS के 150 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग भी बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे। 9:30 से 12:30 ये टेस्ट है, PCS मेंस की टेस्ट सीरीज। 20 सवाल इसमें होते हैं 3 घंटे में। ये पूरा शेड्यूल इसका दिया, ये आप टेस्ट दे सकते हैं। ये सब अन अकेडमी ऐप पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लें, फिर फोन नंबर ईमेल आईडी अपना रजिस्टर कर लें, फिर मैनेज गोल्स पे जाके अपनी कैटेगरी चुन लीजिए, और फिर टीचर्स की प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए जिनसे आपको पढ़ना है। तो आपको नोटिफिकेशन आने लगेंगे। और प्लस का मतलब है आप लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप ना वो आप टेस्ट सीरीज भी अनलिमिटेड आपको मिलेगी। आप क्लासेस को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिल जाएगा। वर्कशॉप, स्ट्रेटेजी सेशन, मास्टर क्लास, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सब शामिल है इसमें। और ये कोड है, अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, SZ10। डिस्काउंट इससे मिलेगा। और आप इसको न्यू क्लास, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम कोई क्लास देख रहे हैं उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनवाइट कोड, अनलॉक कोड मान लीजिए क्लास में एंट्री के लिए। 11:30 से 9:30 ये फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स हैं जो अन अकेडमी ऐप पे होती हैं। 4 बजे प्लस की क्लास जो अब January 1st week में होगी, पेड बैच। और 1 बजे ये रोज़ होती है क्लास इसी चैनल पे, इंग्लिश की रेगुलर टाइम ये है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आएंगे। चलिए, तो आज ग्रामर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और वो किस चीज़ का है, वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं वर्ब्स के चैप्टर में। वुड रादर का कॉन्सेप्ट देखिए, वुड रादर का मतलब क्या है और ये कैसे यूज होगा। इसके दो रूल्स हैं। पहला रूल है सब्जेक्ट, एक सेकेंड इसको पूरा ही लिख लेते हैं। देखिए, पहले रूल फिर मीनिंग देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1। सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दूसरा रूल है। सब्जेक्ट 1 प्लस वुड रादर प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म V2। इसका मतलब ये है कि वुड रादर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी, दोनों चीजें यूज होती हैं। वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कितने हैं, कितने सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। तो अब देखते हैं आगे। देखिए, एक सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म, दूसरा सब्जेक्ट भी है तो फिर सेकेंड फॉर्म। देखिए अब सेंटेंस, आई वुड रादर गो। देखिए, आई वुड रादर गो कह रहे हैं। अब पहले तो मीनिंग तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए रूल हम लोगों के सामने लिखा है, क्या रूल के हिसाब से करेक्ट है सेंटेंस। आई है सब्जेक्ट 1, एक ही सब्जेक्ट है, दूसरा तो कोई है नहीं। जब एक ही सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, गो एंड गॉन, तो V1 यूज हुआ है, मतलब सही है। अब इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब सोचिए क्या है। देखिए, आई वुड रादर गो का मतलब है मैं जाना चाहूंगा,
आई वुड रादर गो मीन्स मैं जाना चाहूंगा, या आप कह सकते हैं मैं चाहूंगा कि मैं जाऊं. मैं चाहूंगा कि मैं जाऊं, समझने के लिए मतलब क्लियरली मीनिंग इसका समझ में आए इस तरह लिख सकते हैं, मैं चाहूंगा कि मैं जाऊं, मैं चाहूंगा कि मैं जाऊं, या फिर आई वुड लाइक टू गो. आई वुड लाइक टू गो. सेकेंड देखिए, तो ये फर्स्ट रूल के हिसाब से हुआ. सेकेंड है आई वुड रादर ही वेंट. आई वुड रादर ही वेंट. अब ये चेक करिए क्या करेक्ट है. आई है सब्जेक्ट, ही भी सब्जेक्ट है, मतलब दो सब्जेक्ट हैं. जब दो, एक सब्जेक्ट वुड रादर के पहले एक उसके बाद में, तो फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, वी टू आया. मतलब ये सेंटेंस भी करेक्ट है, सेकेंड रूल के हिसाब से सही है. इसका मतलब क्या है कुछ समझ में आ रहा है. जैसे पहले का तो मतलब था मैं चाहूंगा कि मैं जाऊं, मैं चाहूंगा कि मैं जाऊं. दूसरे का क्या मतलब होगा. पहले का तो मतलब था अपने लिए चाह रहे हैं, देखिए दूसरे सेंटेंस का मतलब है मैं चाहूंगा कि वो जाए, मैं चाहूंगा कि वो जाए, मतलब है कि यहां पे ही के लिए चाह रहे हैं. तो इक्वल टू आई वुड रादर, एक सेकेंड, ये तो वही वाला लिख दिया. आई वुड लाइक हिम टू गो. आई वुड लाइक हिम टू गो मतलब है कि ये दूसरे के लिए चाह रहे हैं. पहले सेंटेंस में अपने लिए चाह रहे थे, दूसरे सेंटेंस में दूसरे के लिए चाह रहे हैं, हिम के लिए चाह रहे हैं. और मीनिंग क्या हुआ, देखिए वुड रादर से स्टार्ट किया था, तो वुड रादर का सिंपली मतलब हो गया कुछ चाहना. वुड का रादर के साथ मिलके मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है. ये एक तरह से ईडियम की तरह यूज होता है, और ईडियम में आप जानते ही हैं कि बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग कई बार होता है. जो वर्ड दिया है उससे कुछ सेंस ही नहीं बनती. तो वुड रादर का मतलब हो गया कुछ चाहना. तो आई वुड रादर गो का मतलब मैं चाहूंगा कि मैं जाऊं, फिर आई वुड रादर ही वेंट का मतलब है मैं चाहूंगा कि वो जाए. तो यहाँ पास्ट की बात नहीं हो रही, पास्ट फॉर्म देख के लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ तो चला गया शायद वो, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो जाए. बस रचना इसकी अजीब सी है, अजीब है तभी तो एग्जाम में पूछा जाता है. कि आपने नहीं पढ़ा तो ऑब्वियस है कि आप कंफ्यूज होंगे, एग्जाम में कुछ और ही मतलब निकाल के आएंगे उसका. तो सिंपली क्या मतलब हुआ, सब अगर अपने लिए चाह रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म, दूसरे के लिए चाह रहे हैं सेकेंड फॉर्म. एक सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म, दो सब्जेक्ट हैं तो सेकेंड फॉर्म. ये हुआ इसका. अब देखिए और क्वेश्चन इस पे, मतलब कैसे सेंटेंस बनते हैं. देखिए देखिए पहला है, तो और सब्जेक्ट ले लेते हैं. वी वुड रादर ईट दिस. अब सामने रूल नहीं है, अभी जो पढ़ा उसके हिसाब से जो याद है, देखिए क्या करेक्ट है. देखिए दूसरा सेंटेंस है, सही था सेंटेंस में, कोई मिस्टेक नहीं. वी वुड रादर ईट दिस. वी जो है वो अपने लिए चाह रहे हैं, मतलब एक ही तो सब्जेक्ट है. जब एक सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई. देखिए वही रूल आ गया, सब्जेक्ट
एक सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी वन. अगला सेंटेंस, वी वुड रादर शी एट दिस. वी वुड रादर शी एट दिस. अब देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट है ये वी, दूसरा सब्जेक्ट है शी, तो सेकेंड फॉर्म वी टू. ईट एट ईटन, यही तो फॉर्म्स होती हैं, ईट एट ईटन. तो बस सही है, दोनों सेंटेंस सही है. पहले का क्या मतलब निकल रहा है? वी वुड रादर ईट दिस का मतलब है वी वुड लाइक टू ईट दिस, हम ये खाना चाहेंगे. वी वुड लाइक टू ईट दिस, हम ये खाना चाहेंगे, मतलब अपने लिए चाह रहे हैं कि हम खाएं. और वी वुड रादर शी एट दिस, मतलब हम चाहेंगे कि वो ये खाए. वी वुड लाइक हर टू ईट दिस, हम चाहेंगे कि वो खाए. तो ये है. तो ऐसा रूल है कि अगर आपको नहीं पता हो तो बहुत अजीब अजीब मतलब आप निकालें, कुछ और ही मतलब बिल्कुल निकले, लेकिन आपको पता हो तो कितना सिंपल सा रूल है. एक सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस इतना सा. अब देखिए इस पे सवाल कैसे आते हैं वो देखते हैं. उससे पहले ये देख लीजिए, प्लस ज्वाइन करने पे आपको ये एक नया बैच है, मतलब नया नहीं, इस तरह के नए नए बैचेस चलते हैं. स्कॉलरशिप टेस्ट है ये, तो बैच नहीं था, स्कॉलरशिप टेस्ट है ये. फ्री टेस्ट सीरीज है, 5 और 19 को हो चुका है, लेकिन आप पुराना टेस्ट दे सकते हैं कभी भी. स्कॉलरशिप टेस्ट था, इसमें टॉप 25 बच्चों को प्लस ज्वाइन करने के 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे स्कॉलरशिप मिली थी. 150 25%, 150 GS के क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन इसमें है, 300 मार्क्स. कंप्लीट सिलेबस इसका कवर हो जाएगा. तो आपके स्कॉलरशिप टेस्ट मिस भी हुआ हो तो आपकी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी काफ़ी अच्छी. तो आप ये टेस्ट दिया करिए. उन्नत नाम से लेखपाल की टेस्ट सीरीज है, बूस्टर सीरीज. एवरी सैटरडे होता है 4 बजे, 2 घंटे का टेस्ट. कंप्लीट सिलेबस इसमें होगा, 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स. एक कंप्लीट बैच यूपी पुलिस कांस्टेबल का 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, 2.5 महीने का बैच है, हिंदी मीडियम बैच. इसमें गोविंद सर, सारांश सर और दीपांकर सर सब पढ़ाएंगे, जीके, जनरल हिंदी एंड रीजनिंग और मैथमेटिक्स. और ये RO मेन्स का बैच है, पेपर 2 और 3. 3 महीने 3 मंथ्स का बैच है, हिंदी मीडियम, मतलब हिंदी का ही है. और अमरनाथ सर इसमें पढ़ाएंगे, स्टार्ट हो चुका है 22 को. देखिए अब सवाल कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं. पहला सवाल है, आप चेक करिएगा जो रूल अभी तक किया, क्या ये करेक्ट है इनके रूल के अकॉर्डिंग. She would rather stays here. देखिए अब रूल चाहे सामने रखिए, याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसको देखिए क्या करेक्ट होगा. ये यहाँ पे तो सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, सिर्फ शी है. जब एक सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. वो चाहेगी कि यहाँ रुके, वो चाहेगी यहाँ रुके, मतलब वो खुद अपने लिए चाह रही है, वो चाह रही है कि वो खुद रुके. तो जब एक ही सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या ये है फर्स्ट फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का तो मतलब है जिसमें कुछ ना जुड़ा हो. गो है तो गोज नहीं हो सकता, ये गलती थी. यहाँ पे होना चाहिए शी वुड रादर स्टे हियर, वो यहाँ रुकना चाहेगी. यहाँ रुकना चाहेगी मतलब है सेकेंड सेंटेंस. दे वुड रादर ड्रैंक दिस, इसको चेक करिए. वे ये पीना चाहेंगे, वे ये पीना चाहेंगे, ये कह रहे हैं.
देखिए अब ये दे सब्जेक्ट है, वुड रादर ड्रिंक दिस, एक ही सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये गलत हो गया, ड्रिंक होगा, दे वुड रादर ड्रिंक दिस। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, ही वुड रादर वी कम बैक, ही वुड रादर वी कम बैक। देखिए अब यहां पे क्या कह रहे हैं, ही वुड रादर वी कम बैक, ही पहला सब्जेक्ट, वी दूसरा सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्ट हैं तो सेकंड फॉर्म, तो कम केम कम, सेकंड फॉर्म होगी केम, मतलब वो चाहेगा कि हम वापस आ जाएं, वो चाहेगा कि हम वापस आ जाएं, ये कह रहे हैं। और भी सवाल अभी करते हैं, बीच में आप ये देख लीजिए, प्लस ज्वाइन करने पे आपको टारगेट बैचेस मिलेंगे, ऐसे फाउंडेशन कोर्स है फिजिकल ज्योग्राफी का, 8 से 30 दिसंबर को अनूप सर पढ़ा रहे हैं इसमें, 15 से 30 एक और बैच है आंसर राइटिंग बैच पॉलिटी का, अजय कुमार सर इसमें पढ़ा रहे हैं मेन्स जीएस पेपर 2 के लिए, लेखपाल मुख्य परीक्षा क्रैश कोर्स एक कोर्स 1 महीने का बैच है, ये स्टार्ट हो चुका फर्स्ट को, मतलब स्टार्ट हुआ था तो भी एंड भी हो गया होगा, और ये सारे टीचर्स इसमें पढ़ा रहे हैं, आप पुराने क्लासेस देख सकते हैं फिर उसी की तरह। सामान्य हिंदी और निबंध का बैच है आर ओ आर ओ मेन्स का, 18 से 30 दिसंबर, प्रशांत सर का है ये बैच, और ये आर ओ आर ओ मेन्स पेपर 1, 3 मंथ्स का बैच स्टार्ट हो चुका 10 को, ये सब एजुकेटर्स इसमें हैं, और मेन्स ऑप्शनल का ये बैच है फेब्रवरी से रोटेशन में चल रहा है, ये सारे एजुकेटर्स इसमें हैं, एक सब्सक्रिप्शन लेंगे सब एग्जाम्स आपके यूपी के कवर हो जाएंगे। टीसीएस मेन्स के टारगेट बैचेस देख लीजिए, पूरा शेड्यूल इसका दिया हुआ है, और ये यूपी कैटेगरी की फीस 1 महीने से 2 साल तक की 13,600 आफ्टर डिस्काउंट 12,240, ईएमआई का भी ऑप्शन है, और ये रेफरल कोड है SZ10 जिससे डिस्काउंट मिलेगा आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लें। यूपी बिहार कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की फीस है 6 और 12 मंथ्स की, दोनों स्टेट्स के सब एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे, 7,960 और 10,620। अब बग्स बाउंटी, किसी वीडियो में कुछ मिस्टेक दिखाई दे, कुछ इनअप्रोप्रिएट, तो आप रिपोर्ट करें, अगर आप सबसे पहले होंगे बताने वाले तो आपको प्राइज मिलेगा। अब देखिए 3 क्वेश्चंस हुए थे और देख लें फोर्थ क्वेश्चन, दे वुड रादर आई कम दिस, आई थ्रो दिस अवे, अभी ये है दे वुड रादर आई थ्रो दिस अवे, देखिए अब यहां पे क्या है, दे सब्जेक्ट 1 आई सब्जेक्ट 2, जब डबल सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसीलिए यहां पे हो गया थ्रो थ्रू थ्रोन, थ्रू हो जाएगा थ्रो थ्रू थ्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वुड रादर, अब देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है, यू वुड रादर अस sang a song, you would rather us sang a song, अब इसमें देखिए कोई मिस्टेक हो, मतलब तुम चाहोगे कि हम गाना गाएं, तुम चाहोगे कि हम गाना गाएं, यू सब्जेक्ट 1 है, अस सब्जेक्ट 2, तो फिर सेकेंड फॉर्म आती है सिंग सैंग संग, सेकेंड फॉर्म तो है, लेकिन ये देखिए क्या ये सब्जेक्ट 2 है, अस तो ऑब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ये गलत सेंटेंस है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आ सकती, सब्जेक्टिव आएगी, वी होना चाहिए, यू वुड रादर वी सैंग दिस, और सेकेंड फॉर्म फिर आ गई क्योंकि डबल सब्जेक्ट है तो सेकेंड फॉर्म आई, तो ये भी ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म बिल्कुल नहीं होगी, सब्जेक्टिव होगी, दोनों तरफ सब्जेक्ट होगा, और एक सब्जेक्ट होगा वुड रादर के पहले और एक सब्जेक्ट होगा वुड रादर के बाद। बस ये लास्ट था आज, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बस एक किया है, वर्ब्स के चैप्टर में इसको करते हैं हम लोग, और ये फ्री क्लासेस में इसी तरह से कोई रैंडम टॉपिक कोई ले लेंगे, कोई रैंडम छोटा सा रूल,
आपको यूजफुल लगी हो क्लास तो आप लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी ऐप पे भी करते रहें और टेलीग्राम का ये चैनल भी ज्वाइन कर लें, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स, नोट्स और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएंगे। इंग्लिश की क्लासेस की 11, 6, 9:30 ये फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स हैं ऐप पे। 4 बजे प्लस की क्लास मतलब पेड बैच जनवरी में होगी अभी फर्स्ट वीक में, और ये यूट्यूब की क्लास रोज होती है इस चैनल पे 1 बजे। SZ10 कोड एडमिशन लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक भी दिया है, उसको भी सर्च करके फॉलो कर लें। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। PDF फॉर्म में आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं तो टेलीग्राम से, और अन अकेडमी लर्निंग ऐप से भी आप जो वहाँ की क्लासेस हैं वहाँ से आपको नोटिफिकेशन, वहाँ से आपको PDF फॉर्म में सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।